students, welcome to our official platform of Sanskaram Group of Schools. This is your English lecture. Today we will discuss the reading part of chapter number 6. So this chapter is from your English workbook, and today we will discuss the reading part of this chapter. Chaliye, let's start. Beta, this is your chapter number 6, the name of the chapter, the mongoose and the leopard. In this story, two animals are there, one elephant and mice. Okay, so this story is based on elephant and mice. So first reading, read the story about the mice and the elephant. ये जो कहानी है किसके बारे में है? चूहों और हाथियों के बारे में, ठीक है? So look at here. Once upon a time, a village was destroyed by a strong earthquake. ठीक है, कुछ समय पहले की बात है कि एक गांव था, पूरी तरीके से नष्ट हो गया था. किसके द्वारा बेटा? एक मजबूत भूकंप के द्वारा. ठीक है, आगे देखिए. All the roads and houses in the village were badly damaged. यानी कि जितने भी रोड थे और जितने भी घर थे उस गांव में, सारे बुरी तरीके से नष्ट हो चुके थे. Now the next line, the villagers had to abandon the विलेज. अब जो विलेजेस होता है, गांव वाले, जो गांव वाले थे वो छोड़कर चले गए थे अपने गांव को. ठीक है, तो गांव वाले अपने गांव को छोड़कर के चले गए थे. व्हेन द विलेज वाज टोटली डेजर्टेड, जब जो गांव था पूरी तरीके से नष्ट हो गया था. माइस बिगिन टू लिव इन द ब्रोकन हाउसेज, तो वहाँ पे किसने रहना शुरू कर दिया था? वहाँ पे चूहों ने रहना शुरू कर दिया था उन घरों में. सून देयर नंबर्स ग्रिव इन टू थाउजेंड्स एंड मिलियंस, अब जो उनकी जो संख्या थी वो सैकड़ों से बढ़कर, सैकड़ों से बढ़कर मिलियंस में हो गई थी. ठीक है, यानी कि लाखों में हो गई थी. देयर वॉज ए लार्ज लेक नियर द डेजर्टेड विलेज फ्रॉम विच ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यूज टू ड्रिंक वाटर. अब देखिए वहाँ पे क्या थी, एक बड़ी झील थी. कहाँ पे? उस नष्ट हुए गांव के पास में, यानी कि जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था गांव, उसके पास में एक झील थी. ठीक है, अब वहाँ पे देखिए, विच ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, जहाँ पे एक झुंड, हाथियों का झुंड आता था क्या करने के लिए? यूज टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए. द हर्ड हैड टू वॉक थ्रू द विलेज टू रीच द लेक. अब देखिए जो झुंड था वो क्या करता था बेटा? गांव के बीच से गुजरता था उस झील तक पहुँचने के लिए. ऑन देयर वे द एलिफेंट्स ट्रम्पल्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स डेली अंडर देयर हैवी फिट. अब देखिए जब वो रास्ते में आते थे तो हाथी क्या करते थे? ट्रम्पल्ड, कुचल देते थे. क्या करते थे? कुचल देते थे सैकड़ों चूहों को प्रतिदिन अपने भारी पैरों के नीचे. दिस लेफ्ट ऑल द माइस वरीड. अब ये जो चीज़ थी ये चूहों को काफ़ी चिंतित करती थी. मैनी ऑफ देयर किंथ एंड किन वर किल्ड बाई एलिफेंट्स. किंथ एंड किन होता है बेटा रिलेटिव, सगे संबंधी. अब कहता है कि उनके जितने, उनके काफ़ी ऐसे सगे संबंधी थे जो कि मर चुके थे. किसके द्वारा? हाथियों के द्वारा. टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल ढूंढने के लिए द माइस हेल्ड ए मीटिंग, चूहों ने एक मीटिंग की. इट वॉज डिसाइडेड दैट द किंग ऑफ माइस वुड मीट द किंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स. अब उन्होंने क्या निर्णय लिया था? उन्होंने निर्णय लिया कि चूहों का राजा किससे मिलेगा? हाथियों के राजा से मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए. द किंग ऑफ माइस वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स एंड सेड. अब देखिए जो चूहों का जो राजा था वो हाथियों के राजा के पास गया और उसने क्या कहा? क्या कहा? योर मेजेस्टी, महामही या सम्राट. ठीक है, वी लिव इन द रून ऑफ द विलेज विलेज बट ईच टाइम योर हर्ड क्रॉसिस द विलेज. अब देखिए हम कहाँ पे रहते हैं? हम जो खंडर बन चुका है पूरी तरीके से, उस गांव में हम रहते हैं. और प्रति हर समय क्या होता है, जो आपका झुंड है जब वहाँ से निकलता है तो क्या होता है? मोर द नेक्स्ट पेज, थाउजेंड ऑफ माइस वर ट्रम्पल्ड अंडर द मैसिव फिट ऑफ योर हर्ड. अब जब वो आपका झुंड उस गांव से गुजरता है तो हजारों चूहों को क्या कर देता है, सॉरी सैकड़ों चूहों को आप कुचल देता है अपने भारी पैरों के नीचे. प्लीज़ चेंज योर रूट, कृपा करके अपना रास्ता बदले. इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, वी प्रोमिस टू हेल्प यू इन द आर ऑफ योर नीड,
हम वादा करते हैं कि आपके जो जरूरत के जो घंटे हैं उनमें हम आपकी मदद करेंगे। द किंग ऑफ द एलिफेंट लाफ्ड, अब जो हाथियों का जो राजा है वो हंसता है। यू माइस आर टू टिनी टू बी एनी हेल्प टू जियांट लाइक अस, आप कहते हैं कि जो आप जो चूहे हो काफ़ी छोटे हो मदद करने के लिए। किसकी? जियांट होता है विशाल, यानी जितने हम विशाल हैं हम लोगों की मदद करने के लिए आप काफ़ी छोटे हो। बट इन एनी केस, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वी विल चेंज आर रूट, हम अपना रास्ता बदल लेंगे। द किंग ऑफ द माइस थैंक द एलिफेंट एंड रिटर्न होम, अब जो चूहों का जो राजा था वो हाथियों के राजा का धन्यवाद करता है और वापस अपने घर में आ जाता है। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अनदर एलिफेंट किंग फ्रॉम ए नियर बाई फॉरेस्ट थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन हिज आर्मी, अब कुछ समय के बाद क्या होता है, जो दूसरा हाथियों का जो राजा है वो क्या करता है, जो कि कहाँ रहता है, पास के जंगल से है, ठीक है, वो क्या सोचता है, इंक्रीजिंग होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ एलिफेंट्स यानी अपने हाथियों की संख्या, इन हिज आर्मी उसकी जो सेना है उसमें। तो जो दूसरा जो हाथियों का जो राजा है, तो दूसरे जंगल में रहता है, वो सोचता है कि अपनी जो अपनी जो सेना है उसमें कुछ और हाथियों को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैच मोर एलिफेंट फॉर दिस पर्पज, अब इस उद्देश्य के लिए वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, ठीक है, ऑर्डर्ड होता है आदेश देना, आदेश देता है कि और एलिफेंट्स पकड़ के लाए, किसके लिए, अपनी सेना के लिए, ठीक है। ही सोल्जर्स सॉ दिस हर्ड, अब जो सैनिक हैं वो इस झुंड को देखते हैं, एंड थ्रू ए स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड द एलिफेंट हर्ड, और एक मजबूत जाल फेंक देते हैं, किसके ऊपर, हाथियों के झुंड के ऊपर। द एलिफेंट्स वर ट्रैप्ड, अब जो हाथी हैं वो उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में ये होता है फंस जाना, कैद हो जाना, ठीक है। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री देमसेल्व्स, अब वो काफ़ी संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल्ड होता है संघर्ष करना, वो काफ़ी संघर्ष करते हैं कि अपने आप को उससे आज़ाद कराएं। बट लेकिन इन वेन, वेन होता है व्यर्थ हो जाना, लेकिन वो सब व्यर्थ गया। सडनली द किंग ऑफ द एलिफेंट्स रिमेंबर द प्रोमिस मेड बाई द किंग ऑफ माइस, अब अचानक से जो हाथियों का जो राजा है उसे क्या याद आता है कि चूहों के राजा ने उनसे कुछ वादा किया था, तो वो वादा उसे याद आता है। सो ही साउंडेड ए लाउड ट्रम्प्ड टू कॉल द किंग ऑफ द माइस, अब एक वो क्या करता है, वो एक तेज तुरही बजाता है, ट्रम्प्ड होता तुरही, ठीक है, एक तुरही बजाता है वो क्या करने के लिए, चूहों के राजा को बुलाने के लिए। द किंग ऑफ द माइस हर्ड द कॉल ऑफ द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, अब जो चूहों का जो राजा है वो सुनता है पुकार किसकी, हाथियों के राजा की, एंड रस्ट अलोंग विद हिज फॉलोअर्स टू रेस्क्यू द हर्ड, और क्या करता है, दौड़ता है अपने साथियों के साथ में उन उस झुंड को बचाने के लिए। आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, द माइस बिट ऑफ द थिक नेट एट ऑल पॉसिबल स्पॉट्स एंड मेड इट लूज, अब जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो मोटी जाल है उसके जितने भी संभावित क्षेत्र हैं उनको लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। देयर आफ्टर द एलिफेंट सेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द नेट, इस तरीके से जो हाथी हैं अपने आप को उस नेट से आज़ाद कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वे फ्री होते हैं, और उनको कौन बचाता है, हाथियों को, हाथियों को चूहे बचाते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी जो थी, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन टू एनिमल्स, दैट इज एलिफेंट एंड माइस, ओके। रिलेटेड टू दिस स्टोरी द क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, आई होप आपको ये समझ में आया। इफ़ यू गोट दिस कंसेप्ट या इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू बेटा।